हेलो फ्रेंड, द गल्फ टेक्निकल में आपका स्वागत है और हमेशा की तरह एक नई वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूं। आज का जो मेरा टॉपिक है वो टावर क्रेन के रिलेटेड में है। 99% लोग ऐसे हैं जिसे पता है कि टावर क्रेन है क्या। मेरे हिसाब से काफ़ी लोगों को मालूम होगा कि टावर क्रेन देखे होंगे कोई बिल्डिंग में काम करते हुए, कोई या इंडस्ट्रियल एरिया में देखे होंगे काम करते हुए, लेकिन वो काफ़ी डिफरेंट टावर क्रेन होता है। टावर क्रेन दो टाइप से होता है। पहला तो टी क्रेन बोला जाता है, जैसा टी क्रेन सेम एक देखे होंगे जिस पर ट्रॉली यूज़ होता है। उसके बाद जो सेकेंड है एक लफिंग टावर क्रेन है। लफिंग मीन्स एक इस तरीके से आप देखे होंगे लफिंग बूम इस तरीके से उसमें रहता है। तो इस तरीके से दो टाइप का टावर क्रेन है, लेकिन इसमें काफ़ी अलग अलग मॉडल्स भी है। मॉडल्स बोलेंगे तो काफ़ी ज़्यादा है इसके अंदर। जूमलैन का जो कंपनी है उसका जो टावर क्रेन है वो कुछ थोड़ा सा डिफरेंट लगेगा, कुछ और जो अलग पोटेन का है वो कुछ और अलग डिफरेंट लगेगा। तो मतलब काफ़ी जो क्रेन का जो मॉडल्स है वो काफ़ी डिफरेंट आपको मिलेगा। लेकिन जो टाइप बोलेंगे, टाइप ऑफ क्रेन जो हम बोलेंगे, वो दो टाइप से ही क्रेन है। पहला फर्स्ट टी क्रेन, सेकंड लफिंग क्रेन। तो ये चीज़ आपको जानकारी होना चाहिए। उसके बाद जो सेकंड है ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है, जैसा आप देखे होंगे कोई बिल्डिंग वगैरह, कोई स्ट्रक्चर वगैरह बना रहा है, बिल्डिंग स्ट्रक्चर जो बनाता है वहाँ पर इन चीज़ों का यूज़ होता है और काफ़ी अच्छे से यूज़ होता है। इसमें जो कैपेसिटी है 25 टन भी आता है, 6 टन वाला भी आता है क्रेन, और इसमें देखे होंगे 10 टन का भी आता हो, मतलब डिफरेंट कैपेसिटी का ये टावर क्रेन भी आता है। तो ये वीडियो आप कंटिन्यू देखेंगे ताकि आपको इसमें बहुत सारी जानकारी मिलेगी। जो पॉइंट है बहुत सारा इसमें आपको जानकारी मिल जाएगा। पहला फर्स्ट, क्या टावर क्रेन का ऑपरेटर की लाइफ है, फ्यूचर है, क्या उसमें वो आपको करना चाहिए? तो मेरे ख्याल से आपको उन चीज़ों को एक उम्र तक, एक लेवल तक करना चाहिए, लेकिन उस लेवल होने के बाद आपको उन चीज़ों पर काम नहीं करना चाहिए जैसा टावर क्रेन है। टावर क्रेन मीन्स क्या होता है, वो काफ़ी हाइट पर काम होता है। अगर आपका यंग है, अगर आप कम उम्र के है या आप मेरे जैसे बिगिनर्स है तो आप इन चीज़ों को कर सकते हो, लेकिन जैसे जैसे आपका उम्र बढ़ता जाएगा आप इन चीज़ों को काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी हाइट पर चढ़ना होता है, फिर ऑपरेटिंग करना होता है, ये काफ़ी दिक्कत का सामना आता है। इसके लिए मैं चाहता हूं और आपको मैं एक सजेस्ट भी देता हूं, एक अच्छा, कि जब भी आप कोई भी ऑपरेटर बने, कोई जो नीचे जो अभी जैसे मोबाइल क्रेन हो गया, चेरी पेकर हो गया, हाइड्रा हो गया या कॉलर क्रेन हो गया, तो इन सब चीज़ों का ऑपरेटिंग करना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि इनमें फ्यूचर है, क्योंकि आप इसको 50-55 तक आप कर सकते हैं, 60 तक कर सकते हैं, क्योंकि आपका इसमें फ्यूचर है। अगर आप जितना आपके बॉडी में जितना हिम्मत है, ताकत है, जब तक इन चीज़ों को कर सकते हैं। जैसे टावर क्रेन है, टावर क्रेन का बहुत सारा लोगों को क्वेश्चंस है कि काफ़ी लोग, नए लोग भी होते हैं या आपके गांव में, देहात में या कोई और जगह पर, या हम लोग कभी गांव से निकलकर या सिटी से निकलकर जब भी हम साइट पर जाते हैं तो वहां पर हम देखते हैं कि वहां पर एक टावर क्रेन है। टावर क्रेन का इतना लंबा हाइट किस तरीके से किया होगा, हम लोग एक अजीब जैसा फीलिंग सोचते हैं, यार ये किस तरीके से इसका हाइट इतना किया है, हमने तो देखा था इतना लेकिन फिर हाइट इतना बढ़ा दिया। तो ये वीडियो में आपको एक और सैंपल में बताऊंगा कि टावर क्रेन का हाइट किस तरीके से बढ़ाया जाता है। टावर क्रेन का हाइट बढ़ाना सबसे ज़्यादा इजी होता है, जितना सोच हमारा भारी होता है उससे ज़्यादा इजी टावर क्रेन का हाइट बढ़ाने का होता है, डिसमेंटलिंग करने का होता है। इन दो चीज़ों को सबसे इजी किया जाता है, क्योंकि जो इंजीनियर्स है इसको काफ़ी इजी कर दिया है। वो इजी क्या किया है, उसको किस तरीके से उसका हाइट बढ़ाते हैं, जैसा आप स्क्रीन पर ये वीडियो देख रहे हैं कि एक टावर क्रेन है, ये टी क्रेन बोलते हैं, टावर क्रेन का टी क्रेन है। तो ये टी क्रेन को मैं देखे कि जैक लगा हुआ है, जैसा लिफ्ट के जैसा एक जैक लगा हुआ है सी टाइप में, चार कोने का ऐसा सी टाइप में, वो फ्रेम के सेक्शन फ्रेम में घुस गया है, उसको घुसाया हुआ है। वो सेक्शन फ्रेम में जब घुसता है तो सीधा जाकर वो ऑपरेटर
का जो सेक्शन है नीचे डाउन का, उसमें जाके अटैच हो जाता है। जब वो अटैच होता है तो ये हाइड्रोलिक जब पुशिंग करते हैं तो ये ऊपर लेके जाता है, तो ये जो बीच में जो डिस्टेंस है उसको खाली करता है। खाली करने के बाद दूसरा सेक्शन उठाकर इसमें डाल दिया जाता है। मतलब नीचे वाले को मालूम भी नहीं पड़ता है, किरण का हाइट भी बढ़ जाता है। बस जो चंद लोग जो काम करते हैं उसे पता होता है कि हाँ हमारे किरण का हाइट बढ़ रहा है, लेकिन और लोगों को इन सब चीज़ों के बारे में मालूम ही नहीं पड़ता है। वो साइट पर रह कर भी उनको मालूम नहीं पड़ता है। उसके बाद जो सेकेंड जो चीज़ है, हमको कभी भी टावर किरण में जब भी हम काम कर रहे हैं हमको उसका टावर किरण का इंस्पेक्शन प्रॉपर करना चाहिए। जैसे अगर कोई मैनेजमेंट है वो मंथली वाइज करना चाहिए, और जो उसके बाद जो ऑपरेटर है उसको एवरीडे रूटीन में करना चाहिए। जब भी हम जॉब पर आए, जब भी हम सीट पर बैठते हैं या ऑपरेटिंग के लिए बैठते हैं, तो उसमें हमको ज़रूर मेंटेन करना चाहिए। इंस्पेक्शन जो है, जो पेपर वर्क है उसको हम ज़रूर मेंटेन करना चाहिए। उसके बाद आपको सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए, लोड चार्ट के ऊपर सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, और दूसरी बात लोड जर्किंग में सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जितने सेफ्टी डिवाइस है टावर क्रेन में उन सब पर आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अगर आप ध्यान नहीं देते हैं, बाईपास करते हैं, तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है। इसके लिए आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। वहाँ पर आपका कोई भी हेल्प करने वाला कोई भी नहीं है। इसके लिए हर चीज़ को मेंटेन करें, हर चीज़ को रिपोर्ट करें। जो भी आपके प्रॉब्लम है, कोई भी इश्यूज है टावर किरण के अंदर, तो वो चीज़ को आपको प्रॉपर कम्युनिकेशन करना चाहिए अपने डिपार्टमेंट से। और दूसरा बात है, कोई भी लोड उठाने से पहले जर्क नहीं लेना चाहिए। जर्क मीन्स होता है लोड में झटका। जब लोड में झटका जाएगा तो उस किरण में भी झटका जाएगा, जो ज़्यादा इफेक्ट करता है लोड जर्किंग में। उसके बाद कभी भी आपको लोड चार्ट जो प्रॉपर उसका जो रीड करना चाहिए, किस तरीके से लोड चार्ट होता है, उसका काउंटर वेट कितना है, हमें कितना वेट उठाना है, तो प्रॉपर जब हम करेंगे तो हम बिल्कुल भी सेफ रह सकते हैं। क्योंकि जब हम प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स और कम्युनिकेशन करेंगे तो प्रॉपर मुझे लगता है कि मैं इन सब जगह पर मैं सेफ रह सकता हूँ। तो आई होप कि इस वीडियो में आपने काफ़ी कुछ सीखा। अगर इस वीडियो में अगर सीखा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और हमारा एक फेसबुक पेज भी है जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। फेसबुक पेज को लाइक और शेयर और फॉलो ज़रूर करें, क्योंकि उसमें भी मैं अपना एक एक कॉन्टेंट डालते रहता हूँ, वीडियो डालते रहता हूँ टाइम टू टाइम। लेकिन उसमें मैं काफ़ी ज़्यादा वीडियो डालता हूँ, क्योंकि वो विदाउट थंबनेल होता है, तो उसमें खाली मैं टाइटल डाल के उसमें डालता हूँ। उसमें भी हमें सपोर्ट करें। जो फेसबुक का जो द गल्फ टेक्निकल करके आप अगर सर्च करेंगे तो वो हमारा पेज वहाँ पर आ जाएगा। उसको फॉलो भी करें, क्योंकि उसमें भी काफ़ी ज़्यादा आपको नॉलेज मिलेगा। क्योंकि हर एक एक वीडियो में आपको एक छोटा छोटा सा नॉलेज आपकी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट रोल रखता है, तो आप कभी भी इसको मिस ना करें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक पर। जय हिंद।